Now take out your English literature book. So today we'll begin with a new chapter. Open page number 28, chapter number 4, Tenali Raman Tricks the Thieves. Tenali Raman was a man of great wit. He was a jester in the court of Krishnadevaraya, king of Vijayanagar, also known as Vikat Kavi. One day, he got held up in the court till late evening. By the time he reached his home, people were lighting lanterns and candle in the neighborhood. Tenali Ram एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे और मशहूर भी. वो किंग ऑफ विजयनगर, हुज नेम वॉज कृष्णदेव राय, वो उनकी कोर्ट में जेस्टर थे. वो उनका नाम इसीलिए, ही वॉज ऑल्सो नोन एज विकट कवि, उनको विकट कवि के नाम से भी पुकारा जाता था. एक दिन उनको कोर्ट में देरी हो गई, वो शाम तक वहाँ फंसे रह गए. पर जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लोग लाइट कर रहे हैं कैंडल्स और लैंटर्न्स को उनके आसपास. इट इज़ अ डार्क नाइट, ओह व्हाट इज दिस नॉइस, तेनाली रमन सेड टू हिमसेल्फ नियर द गेट ऑफ हिज हाउस. तो तेनाली राम बोले कि कितना अंधेरी रात है और ये आवाज़ कैसी है. तेनाली राम ये अपने खुद से कहे जब वो अपने गेट के बाहर, अपने गेट के पास खड़े थे अपने घर के. ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री और फिर उस नॉइस के बारे में जानने के लिए वो अपने घर के अंदर के पेड़ के पास खड़े हो गए और वहाँ पे से छुप के देखने लगे कि आखिर कैसा आवाज़ आ रहा है. फोर मेन वॉज स्टैंडिंग नियर द बुशेस इन हिज गार्डन एंड टॉकिंग इन विस्पर्स. देन ही सॉ देयर कि चार लोग उसके घर के गार्डन के झाड़ियों के पास खड़े हैं और वो फुसफुस करते हुए कुछ बातें कर रहे हैं. तेनाली रमन इज़ अ रिच मैन, लेट अस बर्गल हिज हाउस टुडे, One man said to the others. So, Tenali Raman had heard, वो सुने कि उनमें से एक व्यक्ति बोल रहा था कि तेनाली राम बहुत अमीर आदमी है, चलो आज इनके घर में चोरी करते हैं. और ऐसा वो अपने बाकी साथियों को कह रहा था. There are thieves inside my compound. Ah, but I know what to do, thought Tenali. फिर तेनाली राम सोचे कि ये तो चोर है मेरे घर में, पर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. ही ओपन द गेट एंड वेंट इन, फिर वो दरवाज़ा खोल देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं. नियरिंग द डोर तेनाली कॉल आउट लाउडली, और जैसे ही वो अपने दरवाजे के पास पहुंचते हैं तेनाली राम खूब तेज से मतलब बुलाते हैं, वाइफ आई हैव कम होम, I am hungry. Let's eat food, he said. और फिर कहते हैं कि वो अपनी वाइफ को बुलाते हुए कहते हैं कि मैं घर आ गया और मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं. His wife opened the door and welcomed him. और फिर उसकी पत्नी उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और उसको घर के अंदर ले आती है. Tenali Raman quickly said in a soft voice, After our meal, I need your help. और फिर वो धीरे से अपनी पत्नी से कहते हैं कि खाने के बाद मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. तो उसकी वाइफ पूछती है, His wife asked, What for? तो पूछती है किस लिए मदद. Next page. Tenali Raman said, Many theft are taking place in the neighborhood. I want to fool the thieves and save our wealth. Let us hide it in the well. तो तेनाली राम अपनी पत्नी को कहते हैं कि हमारे आसपास बहुत चोरियां हो रही हैं, चलो इन
चोरों को आज अपने घर से चोरी ना करने दिया जाए और इनको बुद्धू बनाया जाए और अपना वेल्थ हम लोग छुपा दिया जाए, बचा लिया जाए इन लोगों से, और चलो इनको हम अपनी वेल्थ को हम छुपा देते हैं वेल में। देन उसकी वाइफ बोलती है, बट हिज वाइफ प्रोटेस्टेड। उसकी वाइफ को लगता अरे, तो बोलती है बट तेनाली रामन टोल्ड हर टू ओबे हिज बिडिंग, पर वो कहता है नहीं, मेरी बात सुनो और मेरी आज्ञा का पालन करो। ड्यूरिंग द मील तेनाली क्विकली एक्सप्लेन्ड हिज प्लान टू हिज वाइफ एंड शी गिगल्ड। और खाना खाते खाते तेनाली राम जल्दी जल्दी से अपना पूरा प्लान बताता है कि क्या करना है, और फिर वो थोड़ा सा हंसती है, गिगल करती है। द राइस प्लांट्स आर डाइंग फॉर वॉन्ट ऑफ वाटर, शी सेड। द राइस प्लांट्स आर डाइंग फॉर वॉन्ट ऑफ वाटर, कहती है कि जो चावल की खेती है वो पानी के बिना मर जाएगी, पानी उसको चाहिए। तो तेनाली रामन कहते हैं, डोंट वरी द प्लांट्स विल गेट वाटर टुनाइट डियर, सेड तेनाली रामन रबिंग हिज पाम्स। तो तेनाली राम कहते हैं, परेशान मत हो, आज उन लोग उन प्लांट्स को पानी मिल जाएगा। द थीव्स कुड नॉट हियर द विस्पर्स ऑफ द कपल, पर जो चोर थे वो इन कपल की बात सुन नहीं पाए कि क्या ये बात कर। दे वर एक्साइटेड एंड हैप्पी दैट स्टीलिंग फ्रॉम तेनालीस हाउस वॉज सो सिंपल, वो सोच रहे थे और वो बहुत खुश हो रहे थे कि इसके घर में से चोरी करना तो बहुत आसान है। फिर उनमें से एक थीफ बोलता है, क्वाइट हियर दे कम, सेड वन ऑफ द थीव्स। तो उन सब चोरों में से एक कहता है कि चुप जाओ, देखो वो आ रहे हैं। द थीव्स हिड देमसेल्फ बिहाइंड द बुशेस एंड सॉ तेनाली एंड हिज वाइफ थ्रो अ बिग बॉक्स इनटू द वेल। तो जो थीव्स थे वो अपने घर वो उन बुशेस के पीछे, झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाते हैं और देखते हैं कि तेनाली और उसकी वाइफ एक बड़ा सा बॉक्स कुएं में फेंक रहे हैं। द बॉक्स वेंट इन एंड हिट द वाटर विद अ स्प्लैश, और जब आप कुछ चीज़ फेंकोगे वेल में या किसी चीज़ में तो वो एक छिपाक से आवाज़ आती है ना, वो स्प्लैश ऑफ वाटर होता है। द बॉक्स वेंट इन एंड हिट द वाटर विद अ स्प्लैश, बाहर ऐसा नहीं होता है कि कुछ चीज़ फेंको तो पानी आपको रिट्रीट बैक करता है, बस वैसा ही छिटका आता है पे, जिसको कहते हैं ना। Now no one can steal our wealth. Our money and jewels are safe. Then Tenali Raman said loudly for the thieves to hear. अब तेनाली रामन उन चोरों को सुनाने के लिए खूब तेज से कहता है, अब तो हमारी जो वेल्थ है वो कोई नहीं चुरा पाएगा और हमारे पैसे और ज्वेलरी सब सेफ रहेगा। Then the couple returned inside their house. और फिर वो दोनों तेनाली राम उसकी वाइफ वापस घर में चले जाते हैं। With soft steps, the four thieves approach the well. और फिर धीरे धीरे वो चार चोर वेल के पास पहुंचते हैं धीरे दबे पांव। Now all we have to do is to draw the water from the well and then one of us will enter it and bring out the wealth, said the chief of the band. और फिर उन चोरों का भी सरदार जो होता है ना, तो चोरों के सरदार ने कहा कि हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हम लोग को ये करना है कि पानी कुएं से निकालना है, उसमें फिर एक हमारा नीचे जाएगा और पानी में से वेल्थ लेके आ जाएगा। आहा, व्हाट अ फूल तेनाली इज, सेड वन ऑफ द थीव टू हिज कंपेनियंस। और फिर उसमें से एक और महान चोर वो कहते हैं, वाह कैसा मूर्ख है तेनाली, ही हैज Even left the bucket here for us. और वो इतना मूर्ख है कि वो बकेट भी यहीं हमारे लिए छोड़ के गया है। That makes our work very simple. और ये हमारा काम और आसान। The thieves took turns to draw out the water from the well. They drained all the water in the ground around the well. और फिर जो thieves थे उन्होंने क्या किया कि वो खूब सारा पानी उस वेल से निकालते गए बारी बारी निकालते गए और सब पूरा पानी वो निकाल के ग्राउंड में फेंकते गए और पूरा वेल खाली कर दिया।
The water flowed down into the channels and entered the rice field at the back of Tenali's house. और जो पानी था वो फिर फ्लो किया सारे चैनल्स में. चैनल्स मतलब ऐसे गलियाँ, ऐसा हो जाता है ना, पानी की चैनल्स बन जाते हैं अलग अलग सेक्टर. आप देखे होंगे कि जब चावल की खेती होती है तो सेक्टर्स बना दिए जाते हैं और फिर उसमें से पानी डाला जाता है. द सेम वे द वाटर फ्लो डाउन द चैनल्स एंड एंटर द राइस फील्ड. और जो उसकी वाइफ बात नहीं कर रही थी कि हमारे चावलों को लग रहा है पानी के बिना वो मर जाएंगे, द सेम राइस फील्ड गॉट द वाटर विच वॉज एट बैक ऑफ द तेनालीज हाउस. ऑल नाइट द थीव्स वर्कड हार्ड. और फिर पूरी रात वो थीव्स मेहनत किए पानी फेंके निकाल निकाल के. फाइनली वो एट द क्रैक ऑफ द डॉन, मतलब सुबह एकदम भोर सुबह जब होती है, जब सुबह होने वाली होती है, दे हिट द बॉक्स. और फिर उनको बॉक्स ऐसे हिट करता है. क्विकली वन ऑफ यू एंटर द वेल एंड टाई द बॉक्स विद दिस रोप. और फिर उसमें से एक को कहा, चीफ कहता है कि जल्दी से वेल के अंदर जाओ और इस बॉक्स को रोप से टाई कर दो और फिर हम लोग ऊपर खींच लेंगे. वन ऑफ द थीव्स एंटर्ड द वेल एंड डिड एज टोल्ड. और फिर उसमें से एक थीव जाता है नीचे और जैसा कहा गया था वैसा करता है. द बॉक्स रीच द टॉप विद सम पुलिंग एंड हीविंग. कुछ गैर मशक्कत के बाद बॉक्स ऊपर आता है. द थीव्स ब्रोक अपन ओपन द लॉक ईगरली एंड ओपन द लिड. और थीव्स ने क्या किया फिर, उस लॉक को तोड़ा और खोला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब ईगर थे कि क्या होगा इसके अंदर, कितने हीरे जवाहरात मोती मुझे मिलेंगे, मनी वेल्थ सब कुछ. एंड ओपन द लिड और उसका ढक्कन खोलते हैं. वॉट रॉक्स एंड बुक्स दे सेट टुगेदर डिसमेड. और सब निराश होकर कहते हैं अरे ये क्या, पत्थर और किताबें इसमें. द थीव्स वर शॉक्ड विथ वॉट ले बिफोर देम. वो सब शॉक में चले गए कि ये क्या है, हम लोग ने इसके लिए मेहनत किया. लेट्स रन फ्रॉम हेयर अ प्लान हैज़ बीन कॉट दे सेड लाउडली. फिर देखते हैं सब कि सब लोग भी आ चुके होते हैं, तब तो कहते हैं चलो यहाँ से भागो, हमारा प्लान पकड़ा जा चुका है. बट दे वर्स नो एस्केप. पर वहाँ पे कोई भागने का चारा नहीं था. तेनाली स्टूड बिहाइंड देम विद द गार्ड्स. और तेनालीराम गार्ड्स के साथ पीछे ही खड़ा था. आफ्टर द गार्ड्स टुक अवे द थीव्स द नेबर्स केम ओवर. जब गार्ड्स उन थीव्स को लेके चले गए तो नेबर्स आए. थैंक यू तेनाली, यू सेव्ड आवर होम्स फ्रॉम दोज थीव्स. और लोग कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया तेनालीराम जी, आपने हमारे घरों को उन चोरों से बचा लिया. एंड ही ऑल्सो वाटर्ड माई राइस प्लांट्स. और तेनाली की वाइफ प्राउडली कहती है कि और इन लोगों ने क्या किया, पानी हमारे राइस प्लांट्स के खेती को भी पानी मिल गया. इट वॉज़ अ नाइस स्टोरी. सो यू रिसाइट इट, रीड इट वंस अगैन एंड लिसन द वीडियो. इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके, थैंक यू.